So hello guys, welcome back to the another video of Ramsar Tutorial. So guys, आज का जो क्लास होने वाला है वो हम लोगों का CS का रिगार्डिंग होने वाला है. प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन किया था, आज उसी ओवर सब्सक्रिप्शन को से आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग अपना नया टॉपिक एंड फ्रेश टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, फोर्स फीचर एंड री इशू ऑफ CS. ये भी CS का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है. फोर्स फीचर एंड री इशू एग्जाम में पूछता है हर साल, ये टॉपिक पूछा जाता है CBSE हो आइदर वो सेवा हो. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, फॉर फीचर ऑफ सेल्स. सबसे पहले तो ये समझो कि फॉर फीचर ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है. तो फॉर फीचर ऑफ सेल्स का सिंपल सा मतलब होता है कि मान लो कि एक एग्जांपल से मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं. जैसे कि मान लो कि एक्स लिमिटेड एक्स से एक कंपनी है. ठीक है, एक्स लिमिटेड क्या है, तुम्हारा एक कंपनी है जिसमें एक मिस्टर वाई. ठीक है, तो एक्स लिमिटेड ने मान लो एक्स लिमिटेड ने 1000 शेयर्स पब्लिक के लिए इशू किया, मतलब पब्लिक को बेचना है. मतलब एक्स लिमिटेड ने पब्लिक के लिए कितना शेयर इशू किया, 1000 शेयर इशू किया. और मान लो मिस्टर वाई बोल के कोई पर्सन थे जिन्होंने कितना 10 शेयर खरीदा था. कितना शेयर खरीदा था, 10 शेयर खरीदा था. तो कंपनी मिस्टर वाई से कैसे पैसा मांगने वाली है. सबसे पहले एक्स लिमिटेड मिस्टर वाई से एप्लीकेशन का पैसा मांगेगी. ठीक है, मान लो एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपया है. ठीक है, मान लो फिर वो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी. अलॉटमेंट का लेट सपोज कितना है, 5 है. फिर वो मांगेगी फर्स्ट कॉल का पैसा. फर्स्ट कॉल का पैसा लेट सपोज कितना है, 2 है. इसने क्या किया, पैसा दिया ही नहीं उस टाइम में. मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं पे किया किसे, कंपनी को. तो इस केस में दोस्तों कंपनी क्या करेगी, पता है, इस मिस्टर वाई के शेयर को टोटल का टोटल फॉरफिट कर लेगी. ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर. क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर. मतलब जो ये इतने मिस्टर, देखो जो एक्स लिमिटेड ने मिस्टर वाई को 10 शेयर दिया था ना. ठीक है, 10 शेयर का मालिक बनाया था ना. तो अब क्या करेगी कंपनी कि अगर मिस्टर वाई ने जो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ना, ड्यू होने के कारण मिस्टर कंपनी क्या करेगी, इसके शेयर को क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी और इसे मालिक से हटा लेगी. तो दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरफिचर ऑफ शेयर. और फॉरफिचर ऑफ शेयर समझ गए होंगे आए हो. और नेक्स्ट है तुम्हारा री इशू ऑफ शेयर. री इशू ऑफ शेयर का मतलब कंपनी क्या करेगी, वापस जो शेयर इसने फॉरफिट किया था उसी को किसी अलग पर्सन को बेच देगी. ठीक है, उसी को बोलते हैं दोस्तों री इशू ऑफ शेयर. फॉरफिट मतलब कंपनी क्या करती है, अगर कोई शेयर होल्डर शेयर खरीद के अगर पैसा नहीं देता है, अगर आइदर एप्लीकेशन का पैसा या फिर फर्स्ट एप्लीकेशन का पैसा देना ही पड़ेगा. अगर मान लो कि कोई भी शेयर होल्डर अगर कंपनी का शेयर खरीद रहा है और उसने पैसा पेमेंट नहीं किया है, कोई भी इंस्टॉलमेंट लाइक फर्स्ट कॉल इसने नहीं दिया, लाइक तुम्हारा फाइनल कॉल इसने नहीं दिया, तो कंपनी पहले फर्स्ट कॉल तक वेट कर लेगी. फर्स्ट कॉल से तो फाइनल कॉल में तो दे ही देगा. तो फाइनल कॉल भी उसने नहीं दिया तो कंपनी क्या करेगी, उसका शेयर को जब्त कर लेगी. इसी को दोस्तों में बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर. ठीक है, और उसी शेयर को कंपनी बाद में वापस किसी अदर पर्सन को बेच देगी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग री इशू ऑफ शेयर. ये होता है फॉर फ्यूचर, ये होता है तुम्हारा री इशू. यही आज का टॉपिक है, यही होने वाला है कि फॉर फ्यूचर और री इशू कैसे करना है. आप समझ रहे, इसका एंड समझ रहे. देखो इसमें 3 केसेस को पढ़ना अपने को. पहला केस क्या है, फॉर फ्यूचर ऑफ सच शेयर व्हिच आर इशू एट ए पार, मतलब ऐसा शेयर को हम लोग फॉरफिट करेंगे जो इशू हुआ है पार पे. किस पे, पार पे. मतलब 10 का सामान कंपनी ने 10 में बेचा है, तो ऐसा शेयर को कैसे कंपनी कैसे डील करने वाली है ये समझना. ठीक है, तो मान लो सबसे पहले केस नंबर 1 फॉर फ्यूचर में 3 केस पढ़ना हमको, 1, 2, 3 नीचे में 2 और है. तो तुम्हारा क्वेश्चन आया, तुम्हारा टाइप सबसे पहले केस 1 में केस 1 अदर से है. ठीक है, अदर केस है इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर फ्यूचर ऑफ सच शेयर व्हिच आर इशू एट ए पार, इसमें सबसे पहले हमको बोलना है, पढ़ना है, व्हेन द कॉल सीरियल व्हेन द व्हेन कॉल्स इन एरियर इज मेंटेन. अरे केस होगा तुम्हारा कॉल सीरियल इज नॉट मेंटेन. ठीक है, हम लोग को 2 केस पढ़ना होगा जिसमें हम लोग कॉल सीरियल को मेंटेन भी करना पड़ता है. कभी का क्वेश्चन तुम लोग को बोलेगा कि कॉल सीरियल मेंटेन करो, कभी क्वेश्चन बोलेगा कि कॉल सीरियल मेंटेन नहीं करना, तो क्वेश्चन का डिटेल छोड़ देना. ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो एकदम आराम से हम समझते हैं. सबसे पहले टॉपिक होगा फॉर फ्यूचर ऑफ सच शेयर व्हिच आर इशू एट पार, मतलब कंपनी 10 में इशू की. ठीक है, 10 का सामान 10 में कंपनी ने इशू किया. ठीक है, उसे तो उसे हम लोग कैसे फॉरफिट करेंगे ये समझना है, कोशिश करना. सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा. सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर बिग शेयर फॉर फ्यूचर. जल्दी क्या हुआ तुम्हारा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू मान लो इसको ए मान लेना, इसको मान लेना बी, इसको मान लेना लेट्स सपोज सी. ठीक है,
सबसे पहले मैं समझाता हूं, सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया गया? देखो याद होगा जब कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को मालिक बनाती है तो उसे क्या करती है? क्रेडिट करती है। क्या करती है? क्रेडिट। मान लो कि शेयर होल्डर कभी भी कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को मालिक बनाती है तो उसे करती है क्रेडिट। तो अब मान लो अब वो पैसा उसने नहीं दिया तो उसका मालिकाना क्या कर लेगी? कंपनी छीन लेगी। क्या कर लेगी? छीन लेगी। तो क्रेडिट से क्या हो जाएगा? वह डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट से हो गया डेबिट। जब कंपनी ने उसे मालिक बनाया तो क्रेडिट, और जब कंपनी ने उसे मालिक से हटा दिया तो डेबिट। ये समझना, ठीक है? समझ में आया होगा, समझ में आया तुम लोग? तो शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होता है दोस्तों? तो सिंपल सा लॉजिक है, शेयर कैपिटल डेबिट इसलिए होता है कि जब कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को मालिक बनाता है तो दोस्तों उसे कटता है क्रेडिट, ठीक है? और जब मालिकाना हक छीन लेता है तो उसे कटता है दोस्तों डेबिट, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, टू शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट होगा। देखो टू शेयर फॉर क्रेडिट क्यों होगा ये भी समझना। देखो अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने 10 शेयर खरीदा, ठीक है, उसने एप्लीकेशन में दिया, उसने अलग में दे दिया, लेट सपोज उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो कंपनी ने इसका शेयर क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। तो कंपनी को तो अलॉटमेंट का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा मिल ही गया होगा इस शेयर के ऊपर, तो इसका पैसा कंपनी को नहीं मिला, तो कंपनी ने क्या किया? इसका शेयर फॉरफिट कर लिया। तो कंपनी को जो फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने 10 शेयर किसी पर्सन को दिया था, वो 10 शेयर क्या करेगी? ले लेगी, ठीक है? तो क्या होने वाला दोस्तों? ये 10 शेयर पे क्या होगा? उसको मान लो कि एप्लीकेशन का पैसा वाला 2 रुपए मिला होगा, इलेक्ट्रॉन में कितना मिल गया? 5, ठीक है? तो अब मान लो सबसे पहले कंपनी ने उसे 10 शेयर दिया, तो उसने क्या किया? एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उस केस में एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा तो उसे नहीं मिला, बट कंपनी को तो ये 7 पैसे मिल गया कि नहीं मिल गया? अब कंपनी इसका 7 में भी ले लेगी, अब प्लस ये 10 शेयर का शेयर भी कंपनी जब, तो कंपनी को क्या होगा? फायदा हो गया नहीं? कंपनी को क्या हुआ? ये कंपनी को हो गया फायदा। याद रखना, ये कंपनी को क्या हुआ दोस्तों? ये कंपनी को हो गया फायदा। अब फायदा हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है दोस्तों? फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट होगा टू पॉलिसी एडी। आप देखो पॉलिसी एडी होता है कैंसिलेशन एडी। क्या होगा? इसे हमको करना पड़ेगा कैंसिल। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कैंसिल करना पड़ेगा। देखो याद है, मान लो कि मिस्टर एच है कंपनी, किसी भी कंपनी से मिसमान लगे कोई मिस्टर एक्स नाम का एक पर्सन है, ठीक है? उसने क्या किया था कि किसी कंपनी का 10 शेयर खरीदा था, जिसमें उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, जिसमें उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, कंपनी ने उसका शेयर क्या कर लिया? जब्त कर लिया, ठीक है? फॉरफिट कर लिया मान लो। तो जब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया होगा तो कंपनी क्या करेगा? उसका कंपनी क्या करने वाला है? कंपनी ये करेगा कि उसका पॉलिसी एरिया दिखा देगा। क्या देगा? जैसे कि देखो ये वाला मान लो कोई एक्स शेयर होल्डर, ठीक है? मान लो कि एक्स एक्स मान लो कि कोई मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स ने मान लो कि एक कोई कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, मान लो कि मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स ने एक्स वाई जेड लिमिटेड से कितना 100 शेयर इसने खरीदा था, ठीक है? मान लो इसने क्या किया? एप्लीकेशन में दो दिया था, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल में 2 एंड फाइनल कॉल का 2 रुपया का लेट सपोज, ठीक है? तो इसने क्या किया? एप्लीकेशन दिया, इसने क्या किया? अलॉटमेंट दिया, इसने क्या किया बताया? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल इसने नहीं दिया, ठीक है? फाइनल कॉल मान लो कितना? फाइनल कॉल 500 का, तो इसने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो कंपनी जब भी कोई मान लो कोई भी शेयर होल्डर जब फाइनल पैसा नहीं देता तो कंपनी क्या करता है? पॉलिसी एंट्री क्या करता है? डेबिट करता है, पॉलिसी एंट्री कंपनी क्या करता है? डेबिट कर देता है कि हमको लॉस हो गया। कंपनी क्या बोलता है? चिल्ला चिल्ला के कि हमको लॉस हो गया, इसने मुझे पैसा नहीं दिया, मेरा तो कितना था 2 रुपए का लॉस हो गया, मतलब 2 रुपए में 100 से मतलब 200 रुपए का लॉस हो गया मेरा। कंपनी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, फिर कंपनी भी बोलेगा 200 रुपए मेरा फाइनल कॉल भी नहीं मिला मतलब, और मुझे कितना का नुकसान हो गया? 1000 का, ठीक है? अब कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस होने से कंपनी क्या करता है? पॉलिसी रिटर्न दिया था, डेबिट करता है। क्या करता है दोस्तों? डेबिट करता है। लेकिन जब मान लो इसका शेयर कंपनी फॉरफिट कर लेगा तो कंपनी को तो फिर कोई लॉस हुआ ही नहीं ना। कंपनी को लॉस होगा क्या? कंपनी को कोई लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि मान लो कि पॉलिसी ने दिया, जब मान लो कि कोई पैसा नहीं दिया था, मान लो कि एक्स ने जब पैसा किस कंपनी को नहीं दिया था तो एक्स को कंपनी क्या करता था? डेबिट बोलते पॉलिसी ने दिया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, कंपनी बोला कि हमको लॉस हो गया। बट बाद में जब इसका शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिया तो इसके तो ऊपर का 2 पैसा मिल ही गया था, बस ये पैसा जो नहीं मिला, तो जब इतनी शेयर ही लग लिया तो इसको क्या लॉस? मान लो तुम किसी को 10 रुपया तुमने दिया, ठीक है? किसी को 10 रुपया तुमने दिया और मान लो तुमको 5 रुपया लौटा दिया, अब 5 रुपया नहीं दिया, तो मान लो वापस से तुम उसको तुमको मान लो एक मिनट देखो, मान लो तुमने किसी को कोई सामान लेके रखा, कोई सामान लेके रखा हुआ, ठीक है? मान लो तुमने किसी को कोई सामान लेकर, मान लो कि कोई दिए क्या, मान लो कि तुमने किसी को तुमने क्या किया बेटा, एक तुमने क्या किया, किसी को पेन दे दिया। क्या दे दिया तुमने? किसी को पेन दे दिया, कितना का पेन दे दिया?
दस रुपए का पेन दे दिया, ठीक है, किसी को तुमने दस रुपए का पेन दिया था, ठीक है, उसने क्या किया तुमको 5 रुपीज दिया, 5 रुपीज बोला कि बाद में दे देगा, बाद में क्या करेगा दे देगा, वो क्या किया 5 रुपीज बाद में नहीं देता है, बाद तुमने क्या किया बाद में पता है, तुमने जाके उसका पेन ले लिया, तो वापस तुमने जो पेन लिया था वो मेरा पेन है मुझे दे दो, तो उस टाइम में क्या होगा इसका 5 रुपया भी इसमें मिल जाएगा और पेन भी इसका वापस इसके पास आ जाएगा। तो इसी तरीके से कंपनी भी इसी तरीके से काम करता है। कंपनी क्या करता है, अगर कोई भी शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, मान लो फर्स्ट मिलियन फाइनल पर कुछ भी नहीं दिया, तो कंपनी उसे क्या करेगा उसका शेयर को पॉलिसी बोल के डेबिट कर देगा और वापस उसका बाद में क्या होगा जब पैसा नहीं देगा कंपनी उसका शेयर जब्त कर लेगा ना, तो जब करने का टाइम 10 रुपए की 10 का शेयर किसी को दिया था, ठीक है, कंपनी कितना 10 का शेयर किसी को दिया था, मतलब 10 टू शेयर, मान लो कि 10 टू शेयर किसी भी कंपनी किसी भी पर्सन को कंपनी ने 10 टू शेयर दिया था, अगर वो 10 का शेयर के बदले वो मान लो कि 5 रुपए दिया, 5 रुपए और 5 रुपए उसने दे दिया, कंपनी इस 5 रुपए को पॉलिसी में लिया करके बता देगा कि ये मेरा लॉस हो गया, लेकिन बाद में कंपनी क्या करेगा ये 10 का शेयर अपने पास रख लेगा, इसे नहीं देगा, तो 10 रुपए तो मिला मिला प्लस 5 रुपए भी मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि पॉलिसी में पहले डेबिट होता है, बाद में उसे कैंसिल करना पड़ता है, क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड, ये कैंसिलेशन एंट्री होता है, क्या करता है कौन सा एंट्री होता है कैंसिलेशन एंट्री होता है, इसमें पास हमको कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है, यार इसलिए पॉलिसी में क्या होता है क्रेडिट होता है, ठीक है, बिग शेयर फॉरफिटेड। फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, देखो यहाँ बोला था हम ए या नो, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा सी, ये का मतलब क्या होगा नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय द होल्डर पेड वैल्यू पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मतलब कि कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट कर लिया, अब होल्डर ऑफ शेयर वैल्यू का मतलब कंपनी ने कहां तक कॉल किया है, मान लो ऐसा हो गया कि एप्लीकेशन तुम्हारा लेट सपोज है 2, अलॉटमेंट लेट सपोज है तुम्हारा 4, फर्स्ट कॉल लेट सपोज है तुम्हारा 2 एंड फाइनल कॉल लेट सपोज तुम्हारा 2, टोटल कितना देगा तुम्हारा 10 शेयर, ठीक है, कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, कंपनी ने फाइनल फर्स्ट कॉल मांगा कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा किसे शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने फाइनल कॉल भी मांगा शेयर होल्डर से तो इसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं, मांगा पूरा 10 रुपया तक क्या किया कॉल किया नहीं किया, इसे बोलते हम लोग कोल्ड ऑफ फेस वैल्यू, क्या बोलते हम लोग कोल्ड ऑफ फेस वैल्यू। अब एक और एग्जांपल समझना, मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपया मांगा, ठीक है, कंपनी ने लेट सपोज अलॉटमेंट का 4 रुपया मांगा, ठीक है, कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा कितना 4, तो शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, कंपनी ने जब फर्स्ट कॉल का पैसा किससे शेयर होल्डर से मांगा ना, तो इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने यहीं से उसका शेयर क्या कर लिया जब्त कर लिया, क्या किया जब्त किया, आगे का कॉल का पैसा मांगा ही नहीं, तो इस केस में कॉल्ड फेस वैल्यू क्या होगा अपना 8 रुपया, कितना होगा तुम्हारा 8 रुपया, इस केस में कितना होगा तुम्हारा 10 रुपया, समझ में आ रहा, तो इस तरीके से हम लोगों को करना होता है, ठीक है, कैलकुलेशन, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय द होल्डर फेस वैल्यू, फिर पी नंबर निकालना पड़ता है, देखो याद रखना ये जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट आएगा ना ये हमेशा बीएफ में आएगा, मींस बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ठीक है, फिर पी का मतलब क्या होगा तुम्हारा टोटल अमाउंट रिसीवेबल फॉरफिटेड शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट पी नंबर क्या होगा तुम्हारा अमाउंट नॉट रिसीव ऑन फॉरफिटेड शेयर, मतलब कौन सा अमाउंट रिसीव है जिसके कारण तुम लोगों ने शेयर फॉरफिट किया वो निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना शेयर तुम लोगों ने फॉरफिट किया है मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट नॉट रिसीव पर शेयर, मतलब फर्स्ट कॉल में नहीं मिला या सेकंड कॉल में नहीं मिला तो उससे मल्टीप्लाई करके हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ये काम रहा सिर्फ फॉरफिटेड का, किसका बात फॉरफिटेड का, और इसमें दो कंडीशन है, एक में तो कॉल सिग्नल मेंटेन करना पड़ेगा, एक में कॉल सिग्नल मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन बोलेगा उसी हिसाब से करना पड़ेगा हम लोगों को, तो इस केस में क्या तुम्हारा कॉल सिग्नल क्या करना है मेंटेन करना है ना, तो जब कॉल सिग्नल को मेंटेन करना है तो लिखना पड़ेगा तुम लोगों को कॉल सिग्नल एरिया, क्या लिखना पड़ेगा कॉल सिग्नल एरिया, अगर क्वेश्चन तुम लोगों को बोले बेटा मेंटेन मत करो तो मेंटेन को करना ही नहीं है, उस केस में कैसे होगा एंट्री, देखो शेयर कैपिटल जैसे का तैसे रहेगा, फॉरफिटर जैसे का तैसे रहेगा, तुमको बस देखना पड़ेगा कि क्या का पैसा हमको मिला नहीं, लेट्स सपोज कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो तुमने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट का नाम लिखना पड़ेगा, फिर तुमको फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तुमने फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दिया तो कॉल सिग्नल में तुमने कौन सा पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया ना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ना फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उसका यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इस ये भी कंडीशन है, एक ये भी तो दोनों तरीके से बना सकते हो याद रखना, लेकिन मोस्ट केस ये भी अच्छा है, इसमें कौन सी एक वाली को काम करना, इसमें कहां कहां पैसा नहीं मिला तीनों का नाम लिखना पड़ेगा, हालांकि दोनों इजी है, ठीक है, तो ये था तुम्हारा केस नंबर 1। फिर नेक्स्ट केस देखो, तुम लोग क्या है तुम्हारा नेक्स्ट केस लिखा हुआ है
समझा नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या हमारा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर व्हिच आर इशूड ए प्रीमियम एंड प्रीमियम इज रिसीव्ड पहला तुम्हारा क्या है पहला शेयर पहला टॉपिक है तुम्हारा इशू किया हम लोग शेयर एंड प्रीमियम क्या हो गया तुम्हारा देखो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर व्हिच आर इशूड प्रीमियम एंड प्रीमियम इज नोट क्या लिखना नोट रिसीव्ड क्या तुम्हारा पहला नंबर टॉपिक है कि हम लोगों ने शेयर फॉरफिट किया है और इसमें प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ प्रीमियम रिसीव क्या हुआ दोस्तों नहीं हुआ अब देखो तुम लोगों को कैसे मान चलेगा कि प्रीमियम रिसीव है या प्रीमियम रिसीव्ड नहीं है ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि किस क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव है और किस क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव नहीं है तो मान लो एक एग्जांपल बता दूंगा ठीक है मान लो 10 का शेयर था कंपनी ने 12 में बेचा था ठीक है जिसमें तुम्हारा एप्लीकेशन था तुम्हारा लेट्स सपोज एप्लीकेशन था 2 रुपया एलोटमेंट था 5000 इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था ठीक है फिर तुम्हारा फर्स्ट फॉल था कितना रुपया 5 रुपया ठीक है और आखिरी फर्स्ट फॉल कितना था 3 रुपया ठीक है और तुम्हारा फाइनल फॉल कितना था फाइनल फॉल था तुम्हारा 2 रुपया अगर सबको तुम जोड़ेगा तो कितना होगा तुम्हारा एक काम करो इसको कर दो 5 तो दो करने से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 हो रहा है कितना हो रहा है तुम लोगों का 12 हो रहा है ना ये 12 देखो तो एप्लीकेशन कितना हो गया अपना 2 रुपया एलोटमेंट कितना हो गया एलोटमेंट है 5 रुपया जिसमें प्रीमियम 2 रुपये इंक्लूडेड है फर्स्ट पहले तुम्हारा 3 फाइनल पहले तुम्हारा 2 टोटल को जोड़ेगा तो तुम कितना हो जाएगा 12 ठीक है तो मान लो कंपनी ने सबसे पहले शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का पैसा मांगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा तो कंपनी को मिल गया लेकिन जब कंपनी ने एलोटमेंट का पैसा मांगा तो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया फिर जब शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया तो उस टाइम में जो देखो जब कंपनी 2 एंट्री पास करता है एलोटमेंट के टाइम में 2 एंट्री पास होता नहीं होता है एक होता है पैसा मांगने का एलोटमेंट का पैसा कंपनी मांगे क्या करेगा एंट्री क्या होगा तुम्हारा शेयर एलोटमेंट अकाउंट डेबिट होगा ना 2 क्या होगा तुम्हारा शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम ये मांगने का एंट्री होता है मांगने का क्या होगा तुम्हारा शेयर कैपिटल तुम्हारा क्या होगा इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 क्या होगा तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाले सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले तो सबसे पहले कंपनी मांगने वाले से पास करता है फिर उसके बाद उसे पैसा मिलता है अगर नहीं मिलता तो कंपनी ने सबसे पहले एलोटमेंट का पैसा किसे उस शेयर होल्डर से मांगा तो शेयर होल्डर ने क्या किया एलोटमेंट का पैसा नहीं दिया जब कंपनी ने मांगा किससे शेयर होल्डर से तो शेयर होल्डर ने एलोटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उस टाइम इसमें प्रीमियम क्या इंक्लूड था ही नहीं था मतलब प्रीमियम का पैसा भी मिला नहीं होगा लेकिन ड्यू में हम लोगों ने प्रीमियम का एंट्री पास किया होगा कि नहीं होगा 2 एंट्री पास होता है सबसे पहले क्या होगा तुम्हारा सबसे पहले होगा इक्विटी शेयर देखो याद कराने से तुम लोगों को थोड़ा सा इक्विटी शेयर एलोटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फिर तुम लोग लिखते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ये एंट्री मांगने वाला होता है फिर लोग एंट्री पैसा मिलता है एलोटमेंट का क्या लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एलोटमेंट इस तरीके से होता ना तो मांगने का टाइम हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को कर दिया था क्रेडिट फायदा दिखा दिया फायदा दिखा दिया नहीं था ये भी दिखा दिया था तो हम लोगों ने क्या किया फायदा दिखा दिया था 2 रुपये करके ठीक है तो 2 रुपये करके फायदा हम लोगों ने इसे दिखा दिया था बट एक्चुअल में पैसा मिला है प्रीमियम का पैसा मिला है प्रीमियम का पैसा हम लोगों को नहीं मिला है तो पहला केस क्या है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर व्हिच आर इशूड प्रीमियम बट प्रीमियम इज नोट रिसीव मतलब हम लोग को एलोटमेंट के टाइम में पैसा प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था हम लोगों ने मांगा तो था लेकिन मिला नहीं था तो उस केस में देखो सबसे पहले मालिक को हटाओ उसका गद्दी से मालिक को हटाओ मालिक को जब हम लोगों ने मालिक को मालिक बनाया था तो उसे क्रेडिट किया था जब उसे मालिक को हम लोग हटाएंगे तो उसे करना पड़ेगा डेबिट ये तो सेम ही है अब देखो जो प्रीमियम को हम लोगों ने क्रेडिट दिखा दिया था प्रॉफिट बोल के एक्चुअल में प्रॉफिट था क्या वो प्रॉफिट नहीं रहा क्योंकि पैसा ही नहीं मिला है तो ये जो प्रॉफिट हमने दिखा था इस प्रॉफिट को पढ़ो खत्म बोले इसका भी एंसर क्या करना पड़ेगा इसका भी एंट्री को करना पड़ेगा हम लोग को कैंसिल क्या करना पड़ेगा हम लोग को इसका भी करना पड़ेगा हम लोग को कैंसिल पहले हमने प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेगा मतलब डेबिट कर दो ठीक है फिर शेयर प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट में कैसे अपना आएगा ही और होल सी रिजल्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा ऐसे तो बात मालूम ही है जो पैसा हमको नहीं मिला उसको क्रेडिट करना पड़ता है क्योंकि हम लोगों ने इसे क्या कर दिया होगा डेबिट यहाँ पे इसको भी करना पड़ेगा क्रेडिट मतलब इसका भी कौन सा एंट्री कैंसलेशन एंट्री याद है ना तो इस तरीके से हम लोगों को करना है ये और ये ठीक है पहला केस इसमें भी देखो बी नंबर पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा बी तो देखो बी क्या तुम्हारा ए हो गया तुम्हारा बी है बी इसमें आया इसमें क्या होगा देखो नंबर ऑफ शेयर कॉर्पोरेटेड मल्टीप्लाई बाय द प्रीमियम पर शेयर नॉट रिसीव कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ वो निकालना पड़ेगा तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा समझ में आने वाला है ठीक है
फिर इसमें भी दो चीज होगा, एक कॉल सिग्नल मेंटेन होगा। देखो पहला केस में कॉल सिग्नल मेंटेन हुआ है, दूसरा केस में कॉल सिग्नल मेंटेन नहीं होगा। जब मेंटेन नहीं होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, पुलिस डिपार्टमेंट। कॉल का चक्कर में किस कॉल में पैसा नहीं मिला है उसके एड्रेस के अलावा में पैसा नहीं मिल सकता है, फर्स्ट कॉल में नहीं मिल सकता, फाइनल कॉल में पैसा नहीं मिल सकता। फिर हम लोग का लास्ट वाला केस आता है ये वाला। देखो कौन सा केस हम लोग एकदम इजी केस है, यहां पे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर सेल इज अ इशू एट एग्रीमेंट प्रीमियम इज रिसीव्ड। प्रीमियम हम लोग को हो गया है रिसीव्ड। जब प्रीमियम रिसीव होगा तो सिंपल सा बात है, एंट्री क्या होगा, मालिक को पहले गद्दी से हटाओ, तो गद्दी से हटाने से क्रेडिट से हो जाएगा डेबिट। अब देखो प्रीमियम मिल गया, प्रॉफिट पहले ही रिकॉर्ड हो गया, तो फिर से लिखने का कोई नीड है, लिखने का कोई नीड नहीं है। पहले ही प्रॉफिट हम लोगों ने क्या किया, पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल गया मतलब प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते तो कैंसिलेशन करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। फिर शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट होगा एंड पॉलिसी के अंदर क्या होगा, तुम्हारा क्रेडिट होगा, ठीक है। बी शेयर फॉरफिटेड, एक होगा तुम्हारा पॉलिसी में मेंटेन करना पड़ेगा, एक बार पॉलिसी में मेंटेन नहीं करने से पहले पे लिख दो, फर्स्ट पे लिख दो, फाइनल पे लिख दो, बात खत्म, याद रखना। तो इस तरीके का सॉल्व होगा, कांसेप्ट इसका होता है खत्म फॉरफिटर का। अब नेक्स्ट बात हम लोग का रिस्कोर्स है, क्या है तुम्हारा नेक्स्ट बात हम लोग का। अब देखो जितना से हम लोगों ने फॉरफिट किया था अब उसे हम लोग करेंगे रिस्कोर, मतलब वापस किसी को बेच देंगे, ठीक है। तो रीशू करने का टाइम क्या होगा, देखो रीशू करने का टाइम में पैसा आएगा, रीशू करने से शेयर बेचेगा हम लोग तो क्या मिलने वाला, पैसा मिलने वाला है। पैसा मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमें क्या बना देंगे, मालिक बना देंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या होगा, देखो रीशू शेयर, देखो इसमें भी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा रीशू और फ्यूचर शेयर। देखो हम लोग जब रीशू करेंगे तो तीन केस हो सकता है, हम लोग रीशू शेयर को पार में भी कर सकते हैं, प्रीमियम भी कर सकते हैं और डिस्काउंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पार में इशू, क्या में इशू, पार में मतलब जितना का शेयर था उतना में बेच दो, 10 का सामान 10 में बेचो लोग, तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ में आ गई, फॉर फ्यूचर शेयर इशू एट पार, समझ में आया। फिर नेक्स्ट, फिर देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है तुम्हारा रीशो फॉर फ्यूचर शेयर एट ए प्रीमियम। अब जब क्या करेंगे हम लोग प्रीमियम इशू करेंगे तो क्या होगा, फायदा होगा, 10 का सामान 12 में इशू हो रहा है तो क्या होगा, तुम्हारा फायदा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट सिक्योरिटीज पे प्रयोग करो, क्रेडिट फिर बनाया गया मालिक, अब बैंक में पैसा आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसे कर देंगे डिस्काउंट में, डिस्काउंट में करो तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर, या देखो डिस्काउंट नहीं है, क्या लेना शेयर फॉर फ्यूचर, इसका इस हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर क्यों लेते हैं, इसका भी एक रीजन है। देखो जो हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर करेंगे ना उसी अमाउंट से हम क्या करने वाले हैं, डिस्काउंट देने वाले, किसे, जिस जो शेयर हम लोग का खरीदने वाला है उसे। जैसे कि हमारे हम लोगों ने शेयर फॉर फ्यूचर में 5 रुपया क्या किया था, जब किया था ना, तो इसी 5 रुपए में हम लोग डिस्काउंट देंगे किसी अदर पर्सन को जो हम लोग का शेयर खरीदने वाला है, इसीलिए अगर डिस्काउंट ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर। जब प्रॉफिट होगा क्रेडिट, उसी प्रॉफिट से डिस्काउंट देंगे तो लॉस होगा डेबिट, समझ में आया ना, आया समझ में, ठीक है। तो शेयर कैपिटल बिग प्रॉफिटेड शेयर डी इशूड ए डिस्काउंट, समझ में आ। मान लो 500 शेयर हम लोगों ने फॉरफिट किया था, इसी 500 शेयर में किसी अदर पर्सन को हम लोगों ने डिस्काउंट दे दिया, तो देखो जब हम लोगों को फॉरफिट करने का टाइम फायदा होता है, फायदा रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्रेडिट में, जब ये हम लोग डिस्काउंट में किसी को इशू कर देंगे तो हम लोगों को हो जाएगा लॉस, लॉस हो जाता है तो डेबिट हो जाता है, ठीक है। नोट देख लो, डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट बी मोर देन द शेयर ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट, मतलब कभी भी आता है डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 500 से नीचे होगा 500 से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ फॉर देखो याद रखना, जब भी शेयर को हम लोग फॉरफिट करेंगे और वापस से रीइशू भी कर देंगे तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो फॉरफिटर करके जो भी पैसा आएगा उसे हम लोगों को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो ट्रांसफर ऑफ फॉरफिटर शेयर टू द कैपिटल रिजर्व, दिस एंट्री इज पास ओनली फॉर द दोस फॉरफिटर शेयर व्हिच आर रीइशू, मतलब हम लोगों ने शेयर 500 फॉरफिट किया था, इस 500 को रीइशू कर दिया, तो जब ऐसा केस होगा ना तो हम लोगों को एक नया एंट्री पास करना पड़ेगा कि फॉरफिटर फॉरफिटर में हम लोगों ने जो भी फॉरफिट करके पैसा कमाया उसे हम लोग को कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। क्या होगा दोस्तों, कैपिटल प्रॉफिट, हम लोग का बिजनेस का काम है शेयर इशू करना, लेकिन इशू करना हम लोग को बिजनेस थोड़ी ना है, हम लोग का काम है शेयर को बेचना, फिर शेयर को वापस रीइशू करने में बिजनेस है, प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता ही है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ द कैपिटल रिजर्व, तो क्या होगा, दिस एंट्री इज पास ओनली फॉर द दोस फॉर फ्यूचर शेयर व्हिच आर रीइशू, ठीक है। मतलब रीइशू देखो, अगर मान लो शेयर हम लोग ने फॉरफिट किया 500, हम लोग ने रीइशू किया 200, तो 200 पे ही हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, 500 पे ट्रांसफर करना नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर देखो, इट इज ऑल्सो मीन्स सच फॉरफिटेड शेयर व्हिच आर नॉट रीइशू द एंट्री इज
नोट भाषा बोला ना अभी कि 500 शेयर इशू किया था, 500 शेयर कॉन्ट्रिब्यूट किया था, 200 इशू किया था और 300 नहीं किया था ना, 300 किया था मेरे पास ही, तो इस पे कोई भी कैपिटल इशू का एडिट लाया कैपिटल टैक्स को ट्रांसफर हम लोग नहीं करेंगे, बस 200 को ही करने वाले थे, ये लिखा हुआ है ठीक है। और फिर हमसे क्रेडिट डेट ऑफर पीछे क्रेडिट होता है ना, फायदा वाला क्रेडिट खत्म करेंगे उधर जगह डेबिट और ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व्स ठीक है। और बी शेयर प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। अब देखो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा मजा है इंटरेस्टिंग टॉपिक है ठीक है, कि हम लोगों को कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या देखो, शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट अमाउंट, शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट अमाउंट। देखो जब तुम शेयर को फॉरफिट करोगे तो तुमको फायदा होगा ही नहीं होगा, फायदा होगा तो फायदा क्रेडिट होता है, तो उस फायदे को करना तुम लोग डेबिट, क्या करना डेबिट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, मान लो तुमने 500 शेयर फॉरफिट किया तो 500 शेयर डिवाइड कर देना, फिर मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ शेयर इशू, तो 500 शेयर में तुमने इशू कितना क्या होगी 200 यहां पे लिखना ठीक है, फिर माइनस होगा क्या होगा दोस्तों माइनस शेयर फॉरफिटेड डेबिट अमाउंट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट मतलब जब हमने किसी भी पर्सन को डिस्काउंट में अगर शेयर क्या करते हैं रीइशू कर देते हैं उस टाइम लॉस होता ही होता है, तो फिर फ्यूचर क्या हो जाता है तुम्हारा क्या हो जाता है डेबिट हो जाता है, तो उस डेबिट अमाउंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस कर देंगे, तो हम लोग का काम जब यहाँ पे जब डिस्काउंट में रीइशू किया हम लोग तो क्या हो गया शेयर फॉरफिटेड डेबिट हुआ नहीं हुआ, इस डेबिट अमाउंट को कैसे करना है माइनस। ये फॉर्मूला एकदम याद रखना ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना हर क्वेश्चन में, इसके हर क्वेश्चन तुम्हारा राइट होगा, हर क्वेश्चन ज्यादा दिमाग लगाने की तुम लोगों को ठीक है, इस फॉर्मूला पर अप्लाई करो हर क्वेश्चन तुम्हारा राइट होने वाला है ठीक है। फटाफट सबको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो फटाफट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया भाई हो पेस्ट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो पेस्ट कर लो फिर इसका ले लो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चल चलो हमें एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या तुम्हारा एग्जांपल नंबर 1 क्या तुम्हारा, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच, तो एक्स लिमिटेड ने 1000 तो एक्स लिमिटेड फॉरफिट क्या था 1000 इक्विटी शेयर, एक्स इक्विटी शेयर का दाम कितना था 10 रुपया ठीक है, ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज 3, मतलब मान लो एक्स लिमिटेड ने 1000 शेयर फॉरफिट किया था 10 रुपया इक्विटी शेयर, और 3 रुपया नहीं देने के कारण कंपनी ने क्या किया शेयर क्या कर लिया फॉरफिट कर लिया था ठीक है, द फॉरफिटेड शेयर रीइशू एट ए रुपीज 8 रुपीज ईच ठीक है, क्या किया तुम्हारा कि फॉरफिटेड फॉरफिटेड जो कंपनी ने फॉरफिट किया था शेयर उसे क्या करते थे कंपनी ने 8 रुपए में किसी पर्सन को इशू कर दिया, एकदम इजी टॉपिक है क्वेश्चन फिर से मैं समझा देता हूं तुम लोगों को, देखो कि एच लिमिटेड ने 1000 शेयर फॉरफिट किया 10 रुपए का ठीक है, और नॉन पेमेंट मतलब 3 रुपए का पेमेंट नहीं होने के कारण कंपनी ने क्या किया था इस शेयर का फॉरफिट कर लिया था कंपनी ने ठीक है, तो उसी शेयर को बाद में कंपनी ने 8 रुपए में इशू कर दिया, मतलब 10 का सामान 8 रुपए कंपनी ने 2 रुपए डिस्काउंट में इशू कर दिया, ये कॉन्सेप्ट ठीक है, तो हम लोग को बस फॉरफिटर एंट्री ही पास करना है, और मान के चलो ये देखो 10 रुपया ना कितने दोस्तों 10 रुपया ना, तो कंपनी पूरा 10 देखो 10 रुपया मतलब 3 रुपए बस इसमें ले, मतलब 3 रुपए क्या होगा फाइनल होगा पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर ने कंपनी को नहीं दिया होगा, जिसके कारण कंपनी ने क्या किया शेयर को फॉरफिट कर लिया, मतलब कंपनी ने बोल क्या किया पूरा 10 रुपया तक मांगा होगा, कितना मांगा होगा दोस्तों पूरा का पूरा 10 रुपया, मतलब 10 का तो शेयर होता है मान लो कि 3 रुपए क्या होगा, मान लीजिए 3 रुपए क्या होगा तुम्हारा फाइनल, लॉजिकली सोचेगा तो 3 रुपए अगर नहीं दिया होगा 3 रुपए फाइनल पूरा पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने पूरा 10 रुपए का 10 रुपया मांगा होगा, याद रखना इस तरीके से ठीक, तो देखो एंट्री क्या होगा तुम्हारा समझना, सबसे पहले हम लोग का एंट्री नंबर क्या होगा, एंट्री नंबर 1 क्या होगा इक्विटी मालिक को हटाएंगे, मालिक हटने से क्रेडिट से हो जाता है डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होता है डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा तुम्हारा एक मिनट क्या होगा दोस्तों इक्विटी एंट्री नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कोल्सिन एरिया टू कोल्सिन एरिया, लेकिन होगा शेयर फॉर फ्यूचर में किसे निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से निकलने वाला, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, कितना शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया था 1000 शेयर फॉरफिट किया था, कितना है 1000 शेयर ठीक है, 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय द होल्डर फेस वैल्यू, याद है तुम लोगों को अभी हम सिखा था थोड़े पहले क्या था तुम लोगों का एक नंबर क्या था नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ 1000
मल्टीप्लाई बाय द क्वांट ऑफ फेस वैल्यू, क्वांट ऑफ कंपनी ने कितना का मांगा है, इस केस में कंपनी ने पूरा फाइनल करके पैसा मांगा था, ठीक है। जब कंपनी ने फाइनल करके पैसा पैसा मांगा कितना होगा, 10 पूरा होगा, 10,000 मतलब कितना होगा तुम्हारा 10,000, कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा। यहां पे किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुल सीनियर कितना हो गया तुम्हारा 1000 था, नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट कितना था 1000 था, 1000 में कितना पैसा नहीं मिला था, 3 रुपया नहीं मिला था, मतलब कुल सीनियर कितना हो गया 3000 हो गया, ठीक है। उसके बाद से शेयर प्रॉफिट कितना हो जाएगा बैलेंस शीट में से 7000 हो जाएगा, बी 1000 शेयर प्रॉफिट बाय कंपनी नॉन पेमेंट ऑफ ₹3। इस तरीके से हम लोग ये एंट्री करना पड़ेगा। अगर लेट सपोज अगर मान लो ऐसा होता कि कोल सिग्नेचर को मेंटेन नहीं कर, मान लो इस केस में तो कोल सिग्नेचर को मेंटेन नहीं करना था, मान लो कोल सिग्नेचर पहला केस तो क्या था, कोल सिग्नेचर मेंटेन करना था, लेट सपोज कोल सिग्नेचर अगर मान लो मेंटेन नहीं करना था, एंट्री क्या होगा, सिंपल एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 टू शेयर फॉर फ्यूचर कितना हो जाएगा अपना, कितना था निकाला था हम लोग 7,000, ठीक है। और यहाँ पे कोल सीनियर घटा के क्या लिख देंगे हम लोग फाइनल कोल, ठीक है, 1000 × 3 इस तरीके से हम लोग फाइनल कोल लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग एंट्री करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फॉर फ्यूचर शेयर को फिर से कंपनी क्या कर रहा है, रीइशू कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, रीइशू कर रहा है 8 रुपए में। देखो रीइशू एंट्री का क्या होगा, रीइशू करने देखो क्या होगा, तुम्हारा पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कंपनी ने 1000 शेयर फॉर फ्यूचर किया है, फॉरफिट किया था, और उसी 1000 को कंपनी ने कितना इशू करते हैं, कंपनी ने कितना इशू किया 8000 में, कितना में 8000 में, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 रुपए का, कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे 8000, कितना हो जाएगा दोस्तों 8000 यहाँ पे होगा तुम्हारा। और बता देना थोड़ी पहले कि कंपनी 10 का सामान कितना इशू कर रही है 8 रुपए, 2 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट, ये डिस्काउंट कहाँ से होगा, जो फुल फीचर अमाउंट होगा ना उसी से ये लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट आगे क्या लिखेंगे, फोर फोर फीचर शेयर फॉर फ्यूचर, क्या लिखना शेयर फॉर फ्यूचर, एक बैंक अकाउंट है भी 8000 रुपया, शेयर फॉर फ्यूचर कितना होगा तुम्हारा, कितना डिस्काउंट हुआ तुम्हारा 1000 × 2 कितना होगा तुम्हारा 2000 रुपया, ठीक है। उसका बाद से टू क्या होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना होगा दोस्तों 1000 × 10, ठीक है, 10,000 कितना होगा तुम्हारा 10,000 रुपया, बी करेक्शन बी फोर फिटेड शेयर बी फोर फिटेड शेयर री इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2 ईच, मतलब करेक्शन क्या होगा, बी बी फोर फिटेड शेयर री इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2 तो इस तरीके से हम लोग को डिस्काउंट वाला एंट्री को पास करना पड़ेगा। फिर देखो इस एंट्री को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके तुम लोगों के लिए लिख दिया था, ठीक है। लास्ट वाले की और एंट्री करना पड़ेगा, याद ही होगा जब भी थोड़ी पहले हम तुम लोगों को सिखाया था कि जब शेयर फॉरफीचर होता है और फॉरफीचर शेयर को रीइशू जब हम लोग कर देते हैं तो उस टाइम एक और एंट्री पास करना पड़ता है, कौन सा वाला, शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, मतलब ओनली रीइशू वाला, ठीक है। तो एंट्री क्या नेक्स्ट होगा हम लोग का, शेयर फॉरफीचर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये अमाउंट को निकालने के लिए हम लोग को सीखना है, ये अमाउंट निकालना इंपॉर्टेंट है। तो देखो सेम फॉर्मूला, देखो नंबर ऑफ शेयर, देखो शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट अमाउंट ऊपर में रखना, शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट अमाउंट कितना है, देखो शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट अमाउंट कितना है 7000, कितना है दोस्तों शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट अमाउंट हो गया हम लोग का 7000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, हम लोगों ने कितना शेयर फॉरफिटेड किया है तो 1000 शेयर डिवाइडेड बाय 1000 शेयर, और हम लोगों ने देखो रीइशू भी कितना कर दिया था, पूरा का पूरा
1000 शेयर, रिशू भी कितना हुआ तुम्हारा 1000 शेयर, फिर माइनस करेंगे शेयर फॉरफिटेड डेबिट अमाउंट। तो देखो शेयर फॉरफिटेड डेबिट अमाउंट है या नहीं है, कितना शेयर फॉरफिटेड डेबिट अमाउंट, देखो डेबिट हो रहा है ना, शेयर फॉरफिटेड डेबिट अमाउंट कितना है 2000, तो यहां लिखेंगे हम लोग 2000। इस तरीके से हम लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1000 कट गया, मतलब 7000 में से 200 जाएगा, तो कितना बचेगा तुम लोगों का 5000, कितना बचेगा दोस्तों 5000, कितना बच गया हम लोग का 5000, तो 5000 हम लोग यहां पे लिख देंगे, 5000 यहां पे लिख देंगे और एक नरेशन लिख देंगे बीइंग फॉर फ्यूचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इस तरीके से हम लोग कर देंगे इसे पूरा सॉल्व। और अभी और हम लोग का 3 एग्जांपल्स और बचा हुआ है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से उसे कंटिन्यू करेंगे। और ये नेक्स्ट क्लास हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है, इसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर फ्यूचर शेयर तुम लोग का पूरा क्लियर हो जाए। तो सो गाइस आज का क्लास हम लोग करते हैं यहाँ पे समाप्त, मिलते हैं हमारे नए वाले वीडियो में।